లోక్సభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. समझता हूं कि सरकार ने जिस तरीके से किसानों के हितों में बहुत असाधारण लक्ष्य रखे, जीरो के बाद डॉक्टर शशि थरूर, डॉक्टर उदित राज, धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का इजाजत दिया. आपके माध्यम से माननीय संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 2000 राजीव गांधी स्कॉलरशिप जो थी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई, और जिससे शुरू कास्ट के बच्चों को हायर एजुकेशन से वंचित कर दिया गया, और शर्त लगा दी गई कि जो नेट क्वालिफाई करेगा या JRF वही स्कॉलरशिप ले सकेगा. नेट और JRF पहले ही वो कंपलसरी था, शुरू कास्ट, शुरू ट्राइब या किसी भी स्टूडेंट का क्वालिफाई करने का उसी के आधार पर फेलोशिप मिलती थी. तो इस तरह से 2000 कास्ट का लगभग 700 शेड्यूल ट्राइब का जो हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप थी वह निरस्त कर दी गई है. मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसको ये बहाल करें, और जो एलिमेंट्री लेवल से लेकर के और BA और MA के तक जो स्कॉलरशिप है वो बहुत अमाउंट बहुत कम है, उस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए. वाइस चांसलर SC ST. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय. महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ. सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड का हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन मैं भारत सरकार को इस बात के लिए जो रेलवे के क्षेत्र में जो काम किया है, जो झांसी से मानिकपुर रेलवे लाइन जो डबलिंग की है और इलेक्ट्रिफिकेशन किया है और कानपुर तक किया है, और महोबा से खजुराहो का जो रेलवे लाइन है उसको भी इलेक्ट्रिफिकेशन किया है, मैं आपके माध्यम से सरकार का आभार प्रकट करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं कि भोपाल से लेकर के खजुराहो तक एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन को भोपाल से खजुराहो जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उसको महोबा से लेकर के और कानपुर लखनऊ होते हुए उसको अयोध्या तक ले जाने के लिए मेरा सरकार से निवेदन है. और इसी के साथ साथ सभापति महोदय, एक हमारे यहाँ से EBR में नई रेलवे लाइन जो सेंक्शन हुई महोबा से चरखारी राठ उरई जो रेलवे लाइन जो जा रही है सीधे भिंड होते हुए इटावा, उस पर भारत सरकार से निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र उस पर बजट प्रदान करके उस कार्य को पूर्ण कराया जाए. ठीक, चिन्हैया सेठी. उपाध्यक्ष महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद. एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया. उपाध्यक्ष महोदय जी, देश के प्रधानमंत्री ने बार बार सभागृह में और सभागृह के बाहर जो बैंकों ने जिस प्रकार से धांधली मचाई, और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद में किस तरह से 2-3 साल के कार्यकाल में देश के 34 लाख करोड़ रुपए कुछ गलत पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, इस समस्या से निपटने के लिए नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को टाइट करते हुए NCLT द्वारा दिए गलत ढंग से दिए हुए पैसे वापस कैसे बैंक के तिजोरी में आ जाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया, और आपने देखा कि बहुत कम समय में 3 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए. लेकिन अध्यक्ष महोदय जी, ये बहुत ही अच्छा कदम देश के प्रधानमंत्री ने उठाया, लेकिन इसका गलत फायदा किस तरह से बैंक के कुछ अधिकारी करते हैं वो मैं आपके ध्यान में लाने का प्रयास करूंगा. ये NCLT के कायदे का जो अच्छे ढंग से व्यापारी छोटे छोटे उद्योगपति जो काम करते हैं उनको NPA नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट घोषित करके उनको भी NCLT में भेजने का गलत ढंग से कार्रवाई कुछ बैंक के लोग करते हैं, एक सांसद के नाते
मैंने रिजर्व बैंक के ध्यान में भोला सिंह जी अध्यक्ष जी छोटा पूरा करता हूँ। मैंने रिजर्व बैंक के ध्यान में मुद्दा लाकर दिया। रिजर्व बैंक का जो उत्तर आया है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। वो कहते हैं 400 लाख नोटिस भोला सिंह లోక్సభలో రాఫెల్ డీల్ పై రచ్చ కొనసాగుతూనే ఉంది ఇక ఇవి బుల్టన్.